दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल विस्की वर्ड पर। अभी मैंने कल जैक डैनियल्स का रिव्यू शेयर किया था, तो अभी ये बॉटल देख के आप समझ गए होंगे कि आज हम किसकी बात कर रहे हैं। आज मैं जो बात कर रहा हूँ वो रेड लेबल का रिव्यू तो मैं डाल चुका हूँ। आज मैं बात कर रहा हूँ आपको कि अंडर 2000 रुपीज़ जो आपको ब्रांडेड विस्कीज़, अच्छी विस्कीज़ मिल जाएंगी। क्योंकि कई क्वेश्चन या कई कमेंट्स आते हैं कि सर हमें थोड़ा सा बताओ कि किस रेंज में क्या जाना चाहिए। तो अभी हम बात करेंगे आपसे साथ ये जॉनी वॉकर के रेड लेबल, ये भी एक ब्लेंडेड स्कॉच विस्की है। तो ये जो इसकी अल्कोहल क्वांटिटी है ये 43% है इसकी अल्कोहल क्वांटिटी, बहुत ही अच्छी है, ब्रांडेड विस्की है। तो ये मैंने चंडीगढ़ से परचेज की थी, आप बॉटल भी देख सकते हैं, मैंने चंडीगढ़ से ये परचेज़ की थी। हर जगह स्टेट टू स्टेट इसका जो प्राइस है वो वेरी होता है। तो चंडीगढ़ में मुझे काफ़ी इकोनॉमिकल पड़ी है एज़ कम्पेरिजन टू, अगर आप पंजाब में जाते हैं तो आपको ये अराउंड 1300 मिलती है पंजाब में। हरियाणा में भी थोड़ी महंगी है, पर सबसे अच्छा रेट जो मुझे लगा वो चंडीगढ़ का लगा। तो अगर आप 900 रुपये स्पेंड करते हैं 900 रुपीज़ में, आपको इसकी गिफ्ट पैक भी मिलेगी, साथ में ग्लास मिलेगा और एक ब्रांडेड विस्की जो कि बॉटल्ड भी स्कॉटलैंड में है और ब्लेंड भी स्कॉटलैंड में है, डिस्टिल्ड भी। तो काफ़ी अच्छी विस्की है। तो नंबर 1 पे इकोनॉमिकल प्राइस रेंज में शुरू होती है, 900 में आपको एक अच्छी विस्की मिल जाएगी रेड में। तो आप बोतल को देख सकते हैं बिल्कुल पास से, तो एक बार आप परचेज करने भी जाते हैं, टेस्ट वाइज भी काफ़ी अच्छी विस्की है, स्मूथ विस्की है। तो आप ये आप देख सकते हैं। अब दूसरे नंबर पर मैं आपको भी शो करूँगा रेड लेवल के साथ, अगर आप जाना चाहते हैं तो ये नंबर 2 पे मेरी आ जाती है, ये वैलेंटाइन। तो ये वैलेंटाइन और रेड लेवल में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, अगर आप चंडीगढ़ से लेते हैं तो आपकी जेब से सिर्फ 100 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा, 900 रुपये आपने रेड लेवल पे खर्चा है। तो 1000 के आसपास मुझे ये वैलेंटाइन, अगेन ये भी ब्लेंडेड स्कॉच विस्की है, दोनों विस्की स्कॉटलैंड की है, ये भी डिस्टिल्ड इन स्कॉटलैंड है। जॉर्ज वैलेंटाइन इसके ऑनर थे जब ये शुरू में आई थी, इसका रिव्यू मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है। सो अगेन इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ स्कॉटलैंड। मैं आपको इसको बोतल को बॉक्स से बाहर निकाल के भी दिखा देता हूँ, हम बॉक्स रखते हैं साइड पे। तो ये आ जाती है हमारी 1000 की रेंज में। अब ये बोतल बिल्कुल बंद है, काफ़ी अच्छी विस्की है, ये फ्रूटी है थोड़ी सी, थोड़ी शार्प विस्की है, अच्छी है मतलब। तो आप देखो इसमें, तो ये भी स्कॉटिश विस्की है। तो ये भी चंडीगढ़ में मेरे को 1000 की पड़ी थी, बाकी और स्टेट वाइज प्राइस जो होते हैं वो डिफर होते हैं। तो ये आ जाती है हमारी नंबर 2 पे, मतलब 900 से आप शुरू कर सकते हैं रेड लेवल इंपोर्टेड विस्की जो कि बॉटल्ड भी स्कॉटलैंड में। नंबर 2 पर आ जाती है वैलेंटाइन, ये भी काफ़ी अच्छी विस्की है, आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। तो अब हमारी 3rd नंबर पर आती है टीचर्स, ये आप देख सकते हैं फीचर्स। ये मेरे पास 375 ml है जो कि पंजाब से तकरीबन 900 रुपीज़ का पड़ा। अगर आप इसकी 750 ml की, मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग भी कर देता हूँ। ये है इसकी बोतल। तो अगेन ये भी स्कॉटिश विस्की है, तो स्कॉटलैंड वालों ने तो वेलकम कर रखा है इसकी, और इसकी बढ़िया ब्रांडेड विस्की है स्कॉटलैंड की सबसे ज़्यादा। तो जो ये टीचर्स है, इसकी एक हाईलैंड क्रीम आती है वो इससे सस्ती है, टीचर्स 50 से, ये थोड़ी सी इससे महंगी है। ये 375 ml जो आप अगर पंजाब से ख़रीदते हैं तो आपको 900 रुपये की मिलेगी, अगर आप 750 ml पंजाब से ख़रीदते हैं तो वो आपको 2400 रुपये की मिलेगी, 2400 की। लेकिन अगर आप यही सेम इसकी चंडीगढ़ से ख़रीदते हैं तो आपको टीचर्स 50 की जो 750 ml की बोतल है वो आपको 1500 के आसपास मिल जाएगी। अगेन काफ़ी अच्छी है ये भी विस्की, और अगर आप चंडीगढ़ से परचेज करते हैं तो इसमें आपको एक डिफरेंस ये मिलेगा कि जो बॉटल्ड होगी वो आपको स्कॉटलैंड वाली मिलेगी, ये बॉटल्ड इंडिया में है ब्लेंड, ये भी अगेन ब्लेंडेड स्कॉच विस्की है और ये ब्लेंड और डिस्टिल्ड हुई है स्कॉटलैंड में, लेकिन ये बॉटल्ड हुई है इंडिया में, क्योंकि पंजाब में स्कॉटलैंड वाली बॉटल्ड विस्कियाँ नहीं मिलती। लेकिन अगर आप चंडीगढ़ से परचेज करते हैं तो आपको स्कॉटलैंड वाली बॉटल्ड मिल जाएगी टीचर्स। उसका टेस्ट और इंडियन टेस्ट में थोड़ा सा फ़र्क है, जो इंडियन टेस्ट है उसमें थोड़ी सी आपको हिट करेगी और थोड़ी सी साउंड विस्की है, लेकिन एज़ कम्पेरिजन स्कॉटिश टू थोड़ी सी आपको
स्मूथ लगेगी। तो ये आ गई हमारी थर्ड नंबर पे फीचर्स। तो सबसे पहले अगर आप 900 रुपीज़ में रेड लेवल, 1000 में वैलेंटाइन, फिर अगर आप 500 रुपीज़ और ऊपर डालते हैं तो आपको टीचर्स मिल जाती है 750 में। अब हम, ये तो थी तीनों स्कॉटलैंड की विस्की, अब हम बात करेंगे आयरिश विस्की की। तो फोर्थ नंबर पर आ जाती है G&V। तो ध्यान रखिएगा जो वीडियो में मैं आपको रिव्यू कर रहा हूँ, ये इनकी रैंकिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं प्राइस के हिसाब से कर रहा हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी ये जो विस्की है तो इसके बारे में मैं अभी चैनल पे अपना फुल रिव्यू भी डालूँगा, लेकिन अभी जस्ट मैं कॉस्टिंग की बात कर रहा हूँ। G&V जस्ट इनी एंड ब्रूक्स, तो ये भी काफ़ी अच्छी ब्लेंडेड, ये भी स्कॉच विस्की है, ब्लेंडेड स्कॉच विस्की है G&V, काफ़ी अच्छी विस्की है। इसकी भी मैं अनबॉक्सिंग करता हूँ, अभी मैं इसका रिव्यू भी डालूंगा आपको चैनल पे, तो आप इसका रिव्यू भी देखना। वैसे तो ये ऑलमोस्ट एम्प्टी है इसकी भी बॉटल, पर काफ़ी अच्छी बॉटल है यार, ये मुझे पीने में भी अच्छी लगी, स्मूथ विस्की है ये। अभी डिटेल रिव्यू मैं डालूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो ये G&V ब्लेंडेड स्कॉच विस्की, ये 750 ml है, तो आपको ये कॉस्ट कर जाएगी, अगर तो आप ये चंडीगढ़ से परचेज करते हैं तो चंडीगढ़ में आपको ये अराउंड 1300-1400 के आसपास मिल जाएगी। अगेन डिस्टिल्ड ब्लेंडेड एंड बॉटल्ड इन स्कॉटलैंड, तो ये बॉटल्ड इन स्कॉटलैंड है, ये स्कॉटलैंड से बॉटल्ड होके आई है। ये आपको चंडीगढ़ में अराउंड 1300-1400 के आसपास मिल जाएगी, ये अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 1500 के आसपास ही, मतलब इसका थोड़ा सा वेरी करेगा प्राइस स्टेट वाइज, क्योंकि जो पंजाब में है ये पंजाब से मैंने परचेज़ की थी, तो मुझे पंजाब में ये 1800 रुपीज़ की पड़ी थी। तो अगेन ये मैं कहूँगा एक बिगिनर विस्की है, मतलब जो लोग स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जो पहले नहीं पीते हैं, ये बिगिनर विस्की है, बहुत ही स्मूथ विस्की है, मतलब आप इसको ड्रिंक करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा ये विस्की पी रहे हैं। तो ये बिगिनर की, अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है, ये फर्स्ट टाइम कोई पी रहा है, तो गो फॉर G&V, तो काफ़ी अच्छी है ये। अब इसके बाद मैं बात करूँगा जेमसन की, तो ये जो जेमसन है लिया जाता है प्रोडक्ट ऑफ आयरलैंड, जो भी मैं पहले बात कर रहा था, आयरिश विस्की की बात कर रहा था, जेमसन ट्रिपल डिस्टिल्ड है यार ये, मतलब देखो अभी मैंने जो आपको चारों दिखाई है वो चारों ब्लेंडेड स्कॉच विस्की थी, ये आयरिश विस्की है और ये ट्रिपल डिस्टिल्ड है। तो ये मतलब जो जेमसन है ये भी यार काफ़ी बढ़िया विस्की है, और ये भी अगेन आप देखो ये ट्रिपल डिस्टिल्ड है, डिस्टिल्ड मैच्योर्ड एंड बॉटल्ड, ये यार आयरलैंड में है, मतलब बॉटल्ड भी आयरलैंड में हुई है और मैच्योर भी, तो ये भी काफ़ी अच्छी विस्की है। ये जो मैंने चंडीगढ़ से जब परचेज की थी तो जेमसन मुझे 1600 के आसपास पड़ी, बाकी स्टेट वाइज वेरी कर सकते हैं। तो आप 500 बॉटल्स देखिए, तो ये आपको मिल जाएगी, सबसे पहले रेड लेवल 900, वैलेंटाइन 1000, फीचर्स आपको चंडीगढ़, मैं चंडीगढ़ के रेट बता रहा हूँ, अगेन आप स्टेट वाइज भी करूँगा, तो फीचर्स चंडीगढ़ में आपको 50 as well 1500 की मिल जाएगी, G&V आपको 1300 के अराउंड मिल जाएगी, जेमसन आपको 1000। तो थैंक यू फॉर द रिव्यू, अच्छा लगे तो शेयर एंड करें।